एक रॉड है जिसका वेट क्या है w, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a और लेंथ क्या है l, हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट लटक रही है, यंग्स मॉडुलस y है, इसका मतलब इलास्टिक है, लंबी होगी इलास्टिक है, निग्लेक्टिंग लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब एक वायर ना लंबी होती है तो वो पतली भी होती है, हमने जितना भी काम इलास्टिसिटी में किया उसमें ये तो डिस्कस किया कि वायर लंबी हो गई, पर हमने ये नहीं डिस्कस किया कि वो पतली होगी, हम इस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन को हम निग्लेक्ट करते हैं, पतली होने वाला कॉन्सेप्ट लेते नहीं, सिर्फ लंबी होने का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, राइट, क्लियर है? तो कह रहे इसमें भी छोड़ दो कोई बात नहीं, पतली होने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, सिर्फ लंबी हो रही है, तो कह रहे क्या निकालना है, इलोंगेशन प्रोड्यूस इन दी रॉड निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, क्या होगा? अब जो मैंने इसमें करवाया था वो ये करवाया था कि अगर आपके पास कोई रॉड है और ये लटक रही है, इसका वेट क्या है डब्ल्यू, वेट कहां एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास से और सीलिंग से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी एल बाय टू, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय क्या लेंगे यहां पर एल बाय टू, क्योंकि ये वायर लंबी हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, और ओन वेट की वजह से हम क्या लेते हैं सेंटर ऑफ मास, तो यहां से इसको रीअरेंज करते हैं, तो यहां से रीअरेंज करके y इज इक्वल टू वर्क डन बाय एरिया डेल्टा l डिवाइडेड बाय l बाय टू, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा l की वैल्यू आएगी, डेल्टा ऑफ l की जो वैल्यू आएगी वो आएगी w l टू a y, बस ये जो मेथड मैंने इसमें लगाया शीट में इंटीग्रेशन का मत लगाएं, सीधा ये लगा लें, तो नोट कर लें इसे, तो अपने असाइनमेंट में नोट कर लें, तो ओन वेट में कुछ नहीं करना, ये सॉल्यूशन बहुत लंबा है, इसमें इंटीग्रेशन यूज की जरूरत नहीं है, आप बिना इंटीग्रेशन के करें, बस ये फॉर्मूला लिखें, इस फॉर्मूले में ओन वेट की वजह से आप एल बाई टू सेंटर ऑफ मास लेते हैं लेंथ, और आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लें डेल्टा एल निकाल लें, बस आंसर आ गया, तो ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, तो ये शॉर्टकट लगाएं, तो इस सॉल्यूशन को क्रॉस कर दें, करना ही नहीं वाला सॉल्यूशन जो बुकलेट मैंने किया हुआ है ये करेंगे, ठीक है यहां तक, ठीक, ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, तो ये रॉड है इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसको टांग दिया गया दो तारों से, दो वायर्स से, एक वायर स्टील की और एक ब्रास की, तो टांग दिया इसे, ये प्रॉपर लटकी हुई है यहां पर, अब क्वेश्चन है कि दो वायर्स हैं, एक स्टील की जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पता है और अदर ब्रास की जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 पता है, आपको बताना है फाइंड आउट पोजीशन अलोंग द रॉड, रॉड पे कोई पॉइंट बताओ एट विच वेट मस्ट बी सस्पेंडेड, बताओ मैं वेट W कहां टांगू, मान लो x डिस्टेंस पे टांगू तो ये क्या होगा 2 - x, तो बताओ x क्या होगा, पहला पार्ट जब दोनों वायर्स में स्ट्रेस बराबर है, और दूसरा पार्ट दोनों वायर में स्ट्रेन बराबर है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, स्ट्रेस बराबर है जब आप इन्हें टांगेंगे तो यहां पर टेंशन क्या आ जाएगी T1, यहां पर T2, तो इसका स्ट्रेस क्या होगा T1 बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका स्ट्रेस क्या होगा T2 डिवाइडेड बाय A2, तो स्ट्रेस को हम क्या कर देंगे इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्ट्रेस बराबर बोला, तो T1 बाय A1 इज इक्वल टू T2 बाय A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म आ गई, A1 A2 क्वेश्चन में गिवन है, तो किसकी रेशियो आ गई T1 T2 की रेशियो आ गई, अब क्योंकि रॉड आराम से लटकी हुई है अदरवाइज ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, ऐसे घूम सकती थी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी नहीं है इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट या जहां आपने वेट टांगा उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो, तो क्या होगा टी वन इंटू एक्स, ये टॉर्क क्या लगाएगा टी वन इंटू एक्स, और ये क्या लगाएगा टी टू इंटू टू माइनस एक्स, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो टी वन इंटू एक्स इज इक्वल टू टी टू इंटू टू माइनस एक्स। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, टी वन और टी टू की रेशियो हाफ हम निकाल चुके हैं, यहां पुट कर दें, तो यहां पुट करके सॉल्व करके क्या आ गया x आ गया आंसर। क्या है पॉइंट क्लियर है, x कैसे आएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो स्ट्रेस को बराबर किया t1 t2 की रेशियो निकाल ली और फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दिया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि स्ट्रेन दोनों में बराबर है, कोई बात नहीं स्ट्रेन लगा लेते हैं। अब एक और चीज गिवन है, यंग्स मॉडुलस स्टील का भी गिवन है और ब्रास का भी गिवन है, तो देखो हमें पता है यंग मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेस अपॉन वाई, तो स्ट्रेन स्टील में क्या होगा टी वन ए वन स्ट्रेस अपॉन वाई वन, स्ट्रेन आ गया। ब्रास में क्या होगा टी टू ए टू स्ट्रेस वाई टू, दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट करके ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी वन टी टू की रेशियो आ गई, क्योंकि ए वन वाई वन ए टू वाई टू गिवन है, फिर से एक बार टेंशन की रेशियो आ जाएगी, तो इस पार्ट में भी टेंशन की रेशियो आ गई। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन विल रिमेन सेम, टी वन इंटू एक्स इज इक्वल टू टी टी टू इंटू टू माइनस एक्स, तो यहां से टी वन टी टू की रेशियो आ गई, तो यहां से जो टी वन टी टू निकालेंगे उस टी वन टी टू को यहां पुट कर देंगे और सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे एक्स निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि रूल क्या लगेगा इसमें, तो इसमें एक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को बराबर करना है और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, वहां से भी टी वन टी टू आ जाएगा आंसर, राइट क्लियर है यहां तक, ये नहीं करेंगे इसको रहने देंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी,